भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अहम है। इस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रत्येक चुनाव में भागीदारी की शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का वोट ही देश के भावी भविष्य की नींव रखता है। इसलिए हर व्यक्ति का वोट राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनता है। भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उनको निष्पक्षता से संपन्न कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बनने वाला था और भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन जरूरी था। इसलिए 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। इसी के चलते आज मकराना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया, तहसीलदार दिनेश कुमार जी शर्मा, उपसभापति अब्दुल सलाम भाटी और प्रधानाचार्य अब्दुल वहीद खिलजी आदि उपस्थित रहे। हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित मन सामने बैठे मेरे प्यारे बच्चियों और बच्चों, आज मतदाता दिवस है। मतदाता दिवस ये है कि मतदाता दिवस में जो भी 18 साल की उम्र वाले तो जितने भी हैं ज्यादा से ज्यादा अपना नाम लिखो है और मतदाता दिवस में पालन करें कि भाई जो भी है 18 साल की उम्र वाले बोले हैं आप ज्यादा से ज्यादा नाम जुड़े और जिसके नाम नहीं जुड़े हुए हैं उनके भी नाम वो भी नाम बनाए जिसके क्या है कि मतलब वो अपन को बहुत ही जरूरी है। इसलिए इसमें नाम जुड़ना बहुत करना ये आपकी एक जिम्मेदारी है। मेहरबानी करके इसको आप कामयाब करें। धन्यवाद। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी परवाद नियम के बाद दिनेश कुमार जी शर्मा वर्तमान में तहसीलदार प्रभावित हुए बिना
अंगीकृत हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हो इसको प्रश्न हो। गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इलेक्शन के नियम बनाते हैं, सूचियां तैयार करते हैं, पहचान पत्र बनवाते हैं, वो सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं हमारे मतदाताओं के लिए, ताकि मतदाता इस लोकतांत्रिक चुनाव में अपनी भागीदारी मतदाता के रूप में कर सके। प्यारे मतदाताओं, लोकतांत्रिक चुनाव में नागरिकों की भागीदारी मतदाता सूची में नाम लिखाने से शुरू होती है और मतदान के साथ समाप्त।